खरागढ़ राज परिवार का विवाद राजा देवरथ सिंह के निधन के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इस विवाद ने नया रूप ले लिया। दिवंगत देवरथ सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह ने उनकी पहली पत्नी पद्मा सिंह के कांग्रेस के लिए प्रचार करने पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। पूरे मामले पर रानी विभा सिंह ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और पद्मा सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी विभा सिंह ने पद्मा सिंह को स्वर्गीय राजा देवराज सिंह की पत्नी बताने पर आपत्ति जताई। उन्होंने वीडियो जारी कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पद्मा सिंह को टारगेट करते हुए कहा कि ये लोग लगातार उनके दिवंगत पति देवराज सिंह के नाम का उपयोग करके खैरागढ़ और राजनांदगांव की जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं विभा देवराज सिंह जी, आप लोगों से एक वीडियो के इस वीडियो के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरागढ़ की जनता, क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलके महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी, उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया। उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है, वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके ख़त्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनको उनके उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया, उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे विनती है, मेरे क्षेत्रवासियों से विनती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला जो कि एक बार तलाक करके पैसे लेकर के सबको छोड़ करके जा चुकी, और फिर आके उसने महल में पत्थर बरसवा करके भूपेश बघेल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के सह पे उन्होंने मेरे साथ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, मेरे घर को बंद करा दिया, ऐसे लोगों को वोट ना डाल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही पार्टी जो उनको अच्छा भविष्य दे उनको वोट डालें, और ना कि वो भूपेश बघेल जी की बातों में आए, झूठी बातों में, कि प्रेजेंट वर्तमान पत्नी पद्मा नहीं है और पद्मा का हमारे परिवार राज घराने से कोई लेना देना नहीं है, नितिन पंत की वाइफ है, और भूपेश बघेल जी और यशोदा जी अगर ये बोल रही हैं तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सिर्फ ये मैं बताना चाहती हूँ, और हमें उम्मीद है कि आप सारी की सारी जनता हमारी बात पे ध्यान देंगे और सही पार्टी को चुनेंगे, उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।